शॉर्टकट शॉर्टकट एक ऐसी चीज है ना जो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब हम सभी लोग कभी ना कभी जिंदगी के अंदर शॉर्टकट लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कम वक्त के अंदर हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल जाए और हमारा टाइम भी सेफ हो जाए और बेस्ट रिजल्ट्स हमें दिखाई दे जाए। शॉर्टकट अपने आप में बहुत अच्छी चीज भी है और कभी ना कभी ये चीज बहुत घातक भी साबित होती है। इसके चलते कई लोगों की तो जिंदगी बन जाती है और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन जिंदगी बनना और बर्बाद होना एक तरफ है, क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस शॉर्टकट के चलते कई लोगों की जान भी चली गई और कई लोगों ने अपनी जिंदगी को इस लेवल तक बर्बाद कर दिया कि आज वो उस चीज को अंडू नहीं कर सकते, उस चीज को वो वापस नहीं ला सकते। इस शॉर्टकट ने उनकी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। तो आज की स्टोरी एक ऐसे ही शॉर्टकट के बारे में है। एक ऐसा शॉर्टकट, एक ऐसा रास्ता अपनाया सौरभ ने 2010 के अंदर, जिस शॉर्टकट ने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करके रख दिया। वो एक ऐसी पिशाचिनी के प्यार में पड़ गए, एक ऐसी पिशाचिनी के प्यार में जिसने उनकी जिंदगी को बनाया तो सही लेकिन उसके बदले इतना कुछ उनसे छीन लिया जिसके लिए वो आज भी पछताते हैं। जैसे ही हम लोग पिशाचिनी का नाम सुनते हैं तो पहला ख्याल हमारे मन के अंदर आता है कर्ण पिशाचिनी। पिशाचिनी जो होती है इनके बारे में ये बोला जाता है कि ये इस तरीके की बींग्स है जिनको भगवान ने बनाया है और ये हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं, चाहे वो हमारी काम वासना हो या फिर पैसों को लेने की वासना हो, कुछ भी हो, वो उसको पूरा कर देती हैं। हमारी सारी डिजायर्स को, सेक्सुअल डिजायर से लेकर के हर एक डिजायर को पूरा करती हैं। यक्षिणी, कर्ण पिशाचिनी, बहुत सारी ऐसी पिशाचिनियां होती हैं। इनमें सबसे ज्यादा फेमस कर्ण पिशाचिनी ही है जिसके बारे में लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो आज की कहानी कर्ण पिशाचिनी के बारे में ही है कि किस तरीके से 13 जुलाई 2010 को सौरभ के पीछे एक कर्ण पिशाचिनी पड़ गई, एक ऐसी मुसीबत जिनको उन्होंने खुद ही न्योता दिया था। तो क्या है कहानी बता देता हूं आपको। सौरभ बेसिकली यहां पर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और काफी ज्यादा वो पढ़े लिखे थे। उन्होंने यहाँ पे मास्टर्स कर रखी थी, 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 13 साल पहले की। तो उस वक्त पे उन्होंने मास्टर्स वगैरह कर रखी थी बट उनको कोई भी यहाँ पर अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। उम्र उनकी यहाँ पर बढ़ती जा रही थी बट कोई भी जॉब उनके हाथ में नहीं थी। वो सोचते थे कि उन्होंने यहाँ पे मास्टर्स कर रखी है तो इसके चलते उन्हें एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, बट वो गलत साबित हुए। उन्हें उड़ीसा में कोई भी नौकरी नहीं मिली। थक हार करके उन्होंने सोचा कि उड़ीसा से माइग्रेट करके दिल्ली आ जाए तो वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खुल जाएंगी। हुआ भी ऐसा ही कुछ, अपॉर्चुनिटीज तो खुली बट वो जो मन चाही जॉब थी वो सौरभ को नहीं मिल रही थी। सौरभ जो चाहते थे, जो उनका कैलिबर था, उस लायक कोई भी जॉब उनके लिए नहीं थी। थक हार करके उन्होंने यही सोचा कि किसी ना किसी तरह घर तो चलाना ही है, कुछ तो करना ही है। बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ पे 10,000 रुपए की नौकरी मिलती है और बहुत ही बेकार जॉब थी वो। तो वहां पर वो 10,000 रुपए की नौकरी करते हैं, 9 घंटे की काम था वो। तो वो सोचते हैं कि मैं इसके काबिल तो नहीं हूं बट फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कर ही लेता हूं यहाँ पर। तो 10,000 रुपए की नौकरी वो कर लेते हैं। जब वो नौकरी यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर नौकरी करे हुए कुछ 2-3 महीने उनको हुए थे कि वहां पर उनके दो दोस्त बनते हैं। वहां पर जब उनके दो दोस्त बनते हैं, उनमें से एक दोस्त ने इधर सौरभ से पैसे उधार लिए। सौरभ ने सोचा कि दोस्त है तो पैसे दे भी देगा, उसने पैसे नहीं लौटाए, उल्टा पैसे लेकर के वो वहां से भाग गया। तो सौरभ ने जो कमाया था, थोड़ा बहुत जो जोड़ा था, वो भी उनका यहाँ पे खत्म हो गया था। बहुत दुखी थे वो, एक तो नौकरी अच्छी नहीं, ऊपर से धोखा, वो भी दिल्ली जैसे शहर के अंदर, तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। इसी के साथ साथ ये आफत टली नहीं थी कि कुछ 2 दिन के बाद में उनको जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि जो कंपनी थी वो इतने सारे एम्प्लॉयज को यहाँ पे रखना नहीं चाहती थी, प्राइवेट जॉब थी डेफिनेटली, तो इसलिए उनको वहां से निकाल दिया गया। अब जब वो वहां से निकले तो अब वो कम्प्लीटली बेरोजगार हो चुके थे। मास्टर्स करी हुई डिग्री किसी काम की नहीं थी और वर्क एक्सपीरियंस भी उनके पास में ज्यादा अच्छा था नहीं, और इधर से अनएम्प्लॉयमेंट उनको खा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं जिसके चलते मैं अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल हो पाऊं। कुछ भी उनको रास्ता नहीं दिख रहा था, सारे दरवाजे यहाँ पे बंद हो गए थे। अगर शायद से सौरभ यहाँ पे इंतजार थोड़ा और करते तो ये दरवाजे खुल सकते थे। उन्होंने मुझे खुद ये बात बताई कि मुझे वो रास्ता नहीं चुनना चाहिए था, थोड़ा सा अगर मैं रुक जाता, थोड़े से हाथ पैर और मारता तो शायद से मेरी जिंदगी आज एक अलग ही मोड़ पे होती। लेकिन सौरभ ने यहाँ पे एक शॉर्टकट लेने की सोची। वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं, उनको पढ़ने लिखने का शौक था ही, मास्टर्स के बावजूद भी वो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थे। नई नई किताबें, नए नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना उन्हें अच्छा लगता था। तो ऐसे ही एक शाम को वो एक लाइब्रेरी में गए और उन्होंने यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स पे किताबें परचेज करना शुरू कर दिया। एक जगह पर उनकी नजर जाती है और रुक जाती है, वहां पे लिखा हुआ था कर्ण पिशाचिनी।
गढ़ पिशाचनी की एक किताब थी और नॉर्मल से किताब थी, कोई ज्यादा मोटी किताब नहीं थी, वो पतली सी किताब होगी, मान लीजिए कुछ ऐसे ही 20-25 पेजों की किताब रही होगी। तो उन्होंने सोचा एक गढ़ पिशाचनी क्या है, इसके बारे में पढ़ा जाए। जब उन्होंने गढ़ पिशाचनी के बारे में पढ़ा तो उन्हें मालूम चला कि गढ़ पिशाचनी एक ऐसी पिशाचनी है जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है, बट अगर इसकी पूजा की जाए, इसको बुलाया जाए तो ये आती है और हमारे यहाँ पे सारी इच्छाएं जो है वो पूरी होती है। इसी के साथ साथ वो हमारे कानों में बसती है और किसी भी इंसान का जो पास्ट है और उसका प्रेजेंट है वो बता सकती है। वो इंसान के जेब में कितने पैसे हैं या इसी के साथ साथ उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, ये सब कुछ जो है कर्ण पिशाचनी यहाँ पे बता देती है। तो उनको जब इसके बारे में मालूम चला तो बहुत फैसिनेटिंग उनको चीज लगी, उन्होंने सोचा इसके बारे में पढ़ना चाहिए। लाइब्रेरी में उन्होंने और भी किताबें निकाली और कर्ण पिशाचनी से रिलेटेड उनको यहाँ पे 5-7 किताबें मिल गई। उन्होंने वो सारे के सारे बुक्स इशू करवाई और अपने घर लेकर आ गए। कर्ण पिशाचनी के बारे में अगले 2 दिन तक दिन रात उन्होंने एक कर दिए और कर्ण पिशाचनी की सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने निकाल डाली। इसी के साथ साथ जितनी भी इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल थी वो भी उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी। YouTube जो था वो 2010 में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था कि उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। इसी के साथ साथ Spotify वगैरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये सब भी अवेलेबल उस वक्त पर तो शायद थे नहीं, तो जितनी उनको लिमिटेड नॉलेज मिली उन्होंने उसको निकाल डाला। अब एक जगह पर आकर के उनका ध्यान यहाँ पे रुक गया कि वहां पे लिखा था कि बिना गुरु के इस साधना को ना करें। उस किताब में भी ये बात लिखी थी, गूगल पे भी ये बात लिखी थी। पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन जब 2-4 जगहों पर एक सिमिलर बातें लिखी हुई मिली उनको तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे पहले गुरु से बात करनी चाहिए, कोई गुरु ढूंढना चाहिए। उनको यहाँ पे मंत्र भी मिल चुका था, मतलब मंत्र अवेलेबल था बुक के अंदर भी, गूगल के अंदर भी, बट उन्होंने यहाँ पर समझदारी दिखाई और सोचा कि मैं किसी गुरु से यहाँ पे बात करता हूँ। तो उनका एक दोस्त था जिसका नाम मुझे सौरभ ने नहीं बताया, उन्होंने कहा है कि वो आज भी उनका काफी अच्छा दोस्त है और उसका नाम उन्होंने मुझे रिवील नहीं किया। वो किसी यहाँ पर गुरु गुरु को जानता था, तो वो सौरभ को वहां पर लेकर के जाता है। वो जो गुरु होते हैं वो साफ साफ सौरभ को मना कर देते हैं कि मैं तुम्हें कर्ण पिशाचनी की साधना के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि जो तुम पंगा ले रहे हो, जिसके ऊपर तुम हाथ रख रहे हो ना, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। उस आग का तप इतना ज्यादा है कि उससे तुम जल जाओगे, उससे तुम भुन जाओगे, और जहां पर तुम जाने की सोच रहे हो ना बेटा, वहां पे मत जाओ। लेकिन सौरभ तो अपनी जिद के ऊपर अड़े हुए थे, उनको तो सिर्फ एक ही शॉर्टकट दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा ये नहीं तो कोई और। उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन उनको कोई भी यहाँ पे गुरु नहीं मिल रहा था। अंत में थक हार करके जो उन्होंने किताब में पढ़ा था वो ये था कि कोई गुरु ना भी मिले तो इधर जो है किसी अघोरी का साथ लिया जा सकता है। अगर अघोरी आपको इसके बारे में बताए तो फिर ये जो विद्या है ये पूरी हो सकती है। वो एक अघोरी के पास में गए, एक शमशान घाट के पास में अघोरी बैठा था। अघोरी ने भी उनको चेताया कि तुम जो हो आम आदमी हो, तुम्हें ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो तुम ये काम ना करो तो ही अच्छा है। सौरभ ने कहा नहीं, मुझे तो कर्ण पिशाचनी की साधना करनी ही है। उनके मन के अंदर पैसा तो जरूर था ही, इसी के साथ साथ जो लस्ट था यानी कि काम वासना जो थी वो भी उफान चढ़ रही थी। उनको लग रहा था कि उनको एक पार्टनर मिल जाएगा जिसके साथ में वो अपनी जो काम वासना है वो शांत कर सकेंगे। तो ये सब चीजें उनके दिमाग के अंदर चल रही थी। उन्होंने उस अघोरी को ये भी कहा कि हम तुम्हें काफी ज्यादा पैसा दे देंगे, बस तुम हमारी मदद कर दो। अघोरी हंसा और उसने कहा कि मैं अघोरी हूं, मैं पैसों वैसों से नहीं बिकता, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो, अपनी जिद पे अड़े ही हुए हो, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद कर देता हूँ। उसने अघोरी ने यह बात बोली और कहा कि यहाँ पर जो कर्ण पिशाचनी की साधना है ये 3 तरीके से की जाती है, एक तो 3 दिन की, एक 11 दिन की और एक 40 दिन की। 40 दिन की जो कर्ण पिशाचनी की साधना है वो सबसे आसान होती है, 11 दिन की थोड़ी मुश्किल, और सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो 3 दिन की होती है। अब 3 दिन के ऊपर मत जाना, क्योंकि लगता तो सिर्फ 3 दिन ही है लेकिन जब ये करने तुम बैठते हो तो वो 3 दिन 30 जन्म के बराबर लगते हैं। वो बहुत मुश्किल होती है और अगर वो कर्ण पिशाचनी की साधना किसी तरीके से फेल हो जाए तो उसका अंजाम सिर्फ मौत है। इस बात को याद रख ले लड़के, अगर तेरी कर्ण पिशाचनी की साधना फेल हुई तो उसका अंजाम सीधा मौत होगी। इस बात की तू गांठ बांध ले और सोच ले एक दिन और, अगर तू करने को फिर भी उतारू है तो मैं कल तुझे मंत्र और विधि बता दूंगा। सौरभ कहते हैं ठीक है। अगले दिन फिर रात में वो उधर शमशान घाट का रुख कर लेते हैं, शमशान घाट की ओर वो बढ़ते हैं और उन्हें वो अघोरी मिलता है।
अघोरी कहता है, आखिरकार तू माना नहीं ना, तुझे वो साधना करनी ही है, तो फिर तू सुन, एक कमरा ले, और वो कमरा जो होना चाहिए वो बिल्कुल एकांत में, यानी कि बिल्कुल साइलेंट प्लेस पे होना चाहिए। उसी के साथ साथ उस कमरे के अंदर हर जगह अंधेरा होना चाहिए, रोशनी नहीं होनी चाहिए उस कमरे के अंदर, अंधेरा होना चाहिए। अंधेरा इतना ज्यादा होना चाहिए कि जो सूरज की किरण है वो भी उधर दाखिल ना हो पाए, वो भी इतनी हिम्मत ना कर सके कि उस कमरे के अंदर दाखिल हो जाए, बिल्कुल घोर अंधेरा। तो वो ये बात बोलते हैं, सौरभ कहता है ठीक है वो काम हो जाएगा। उसी के साथ साथ वो कहते हैं कि एक स्कल्प की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, कुछ हड्डियों वगैरह की जरूरत भी पड़ेगी, सिंदूर होगा और सूखे फूलों की माला बना, और भी बहुत सारे यहाँ पे उनको टोने टोट के बताते हैं जो भी था, और कहते हैं कि चावल के दाने रखो, इसी के साथ में मिठाई रखो, इसी के साथ में शराब रखो, इसी के साथ में मीट रखो, और बहुत सारी चीजें उनको बता देते हैं, पूरी विधि वो उनको बता देते हैं, और आखिरी में कर्ण पिशाचिनी का मंत्र उसको बता देते हैं। सौरभ ने मेरे साथ वो मंत्र शेयर नहीं किया, उन्होंने कहा है कि वो मंत्र जो है बहुत डेंजरस है, एंड अगर कोई भी आदमी बिना गुरु के उस साधना को करता है, सिर्फ उस मंत्र का भी उच्चारण वो करता है, तो भी कर्ण पिशाचिनी आ जाती है, लेकिन आधे अधूरे तौर पे, और उसका जो अंजाम होता है वो भी मौत होता है। अगर गुरु किसी के साथ में नहीं है तो कर्ण पिशाचिनी को बुलाया तो जरूर जा सकता है, लेकिन अगर वो साधना उल्टी पड़ गई तो अंजाम आप जानते हैं। उन्होंने ये बात बोली मुझे, तो मैंने भी उनको कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे मत बताइए। उसके बाद में सौरभ नेक्स्ट डे से कर्ण पिशाचिनी की साधना में जुट जाते हैं। पूरे कमरे को वो जो होते हैं इधर पेपर वगैरह से ढक देते हैं ताकि जो सूरज की रोशनी है वो ना आ सके, पर्दे वगैरह लगा देते हैं, और बिल्कुल कमरे के अंदर खूब अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। इसी के साथ में स्कल वगैरह जो भी मैंने आपको चीजें बताई थी वो सब करते हैं। गुरु ने उनको ये बात बताई थी, अघोरी ने उनको ये बात बताई थी कि एक गोल घेरा बनाइयो, गोल घेरे के अंदर तुझे बैठना है, और जब भी तू कर्ण पिशाचिनी की साधना यहाँ पे करेगा तो उस गोल घेरे के अंदर ही करेगा। कोशिश ये कर कि उस गोल घेरे से तू बाहर ना जा सके, सोना उठना सब कुछ तुझे वही करना है। सौरभ कहता है तो अगर नेचर स्कॉल वगैरह हो, फिर वो भी उन्होंने गुरुजी ने कहा कि वो भी उस घेरे के अंदर ही तुझे करना है, सब कुछ तुझे उस घेरे के अंदर करना है। घेरा भले से तू बड़ा बना ले, लेकिन घेरे से बाहर तुझे नहीं निकलना, इस बात को तू याद रखियो। और उन्होंने ये भी कहा कि कर्ण पिशाचिनी की साधना करने से पहले एक दिन पहले तू यहाँ पे नहा ले, अगले तीन दिन तक तुझे नहाना नहीं है, तुझे बाथरूम वगैरह जो भी करना है वो तू उस गोल घेरे के अंदर ही करेगा। सौरभ ने इधर पूछा कि अगर भूख वगैरह लगेगी उसका कोई इंतजाम करना है पहले से या फिर कुछ और? उन्होंने कहा उसका कोई इंतजाम नहीं करना, और भी बहुत सारा जो प्रोसेस उन्होंने मुझे डीप में लिख करके भेजा था वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत क्रीपी है वो चीज। तो ये बात उन्होंने बोल दी थी, और इसी के साथ में अगले दिन वो कर्ण पिशाचिनी की साधना में जुट गए। पहला दिन बीतता है, पहले दिन में उनको कुछ ऐसा नहीं लगता, कुछ 1,00,000 मंत्र पढ़ने थे उनको यहाँ पर 3 दिन के अंदर। अब बहुत ज्यादा होता है 1,00,000, तो 3 दिन का मतलब था कि पूरे के पूरे 3 दिन और 3 रात उनको यहाँ पर ये काम करना ही था। तो वो लग जाते हैं जितना उनसे हो सकता था, क्योंकि नींद भी इंसान को चाहिए होती है, तो वो लग जाते हैं। और इस प्रोसीजर के अंदर फर्स्ट डे जब बीतता है तो फर्स्ट डे के एंड पर उनको ऐसा लगता है कि उनके कमरे के चारों तरफ कोई घूम रहा है, मतलब कोई चल रहा है। उन्हें लगता है कि घर तो मैंने लॉक किया है, कमरा भी मेरा लॉक्ड है, तो इस घर के अंदर कोई कैसे आ सकता है? वो सोचते हैं शायद मेरा वहम होगा। उनको वहां पे कुछ चलने की आवाज आती है। वो थोड़ी देर यहाँ पर और साधना में लीन रहते हैं, उसके बाद वो उसी घेरे के अंदर सो जाते हैं। जब वो अपनी साधना के अंदर यहाँ पर जाते हैं, दूसरे दिन के एंड पर उनको ऐसा लगता है कि कोई औरत उनको देखकर हंस रही है, और दूर से देखने में उनको यहाँ पे 2 चमकीली आंखें दिख रही होती है, जैसे कि कर्ण पिशाचिनी यहाँ पर आ चुकी है। सौरभ को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उन्हें अघोरी की एक बात याद आ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुझे उस घेरे से बाहर नहीं निकलना। अगर तू घेरे से बाहर निकल गया और तूने ये तपस्या बीच में छोड़ दी तो अंजाम तू जानता है, तेरी मौत होगी, इस बात को याद रख लियो। वो समझ गए थे कि मुझे यहां से बाहर नहीं निकलना है। और इसी के साथ साथ उस अघोरी ने यह भी कहा था कि बहुत से डरावने एक्सपीरियंसेस होंगे तुझे, तुझे ऐसा लगेगा कि वो तुझे मारना चाहती है, तेरी साधना को रोकना चाहती है। तुझे रुकना नहीं है, किसी भी कीमत पे तुझे रुकना नहीं है। जब तुझे रुकना होगा तू अपने आप रुक जाएगा, लेकिन तू यहां पर तपस्या पूरी कर, 1,00,000 मंत्र पढ़, और इसी के साथ साथ 3 दिन के अंदर अंदर इस काम को अंजाम दे। तो वो समझ चुके थे कि उनको यहां पर क्या करना है। इसके बाद में तीसरे दिन की सुबह उन्हें ऐसा लगता है कि कोई औरत दूर से बैठी उन्हें देख रही है, धीरे धीरे करके वो उनके पास आ गई है। अब भी उनको यहाँ पर डर लग रहा था कि न जाने मेरे साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा। अचानक से उन्हें यहाँ पर एक हाथ महसूस होता है जो उनके कंधे पे रखा गया है।
जैसे उन्हें हाथ महसूस होता है उनकी आंख खुलती है और वो डर जाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते वो पीछे मुड़ के देखने की कि वो हाथ किसका है। लेकिन वो फिर भी अपनी तपस्या को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, अपनी जो उनके रिचुअल थे उसको कंटिन्यू करते हैं। इसके थोड़ी देर के बाद में उनको ऐसा लगता है कि कोई औरत उनको यहाँ पर रुकने का आदेश दे रही है कि रुक जाओ। वो उसको इग्नोर करते हैं, शायद उनका मन का वहम था। लेकिन अब उन्हें वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, सामने से आवाज आ रही थी, रुक जाओ मैं आ चुकी हूं, तुम्हें रुक जाना चाहिए, उठ जाओ और इस घेरे से बाहर आ जाओ। लगातार ये आवाज सामने से आ रही थी। सौरभ अपनी आंख खोलते हैं, देखते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत औरत उनके सामने खड़ी है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत औरत। और वो कुछ स्टेट में थी कि मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर जो कपड़े थे वो आप समझ सकते हैं, तो वो कुछ इस स्टेट के अंदर थी। तो जब वो सौरभ के सामने आती है तो सौरभ उसको देखते रह जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से इस रूप में उन्होंने कभी भी किसी औरत को अपने सामने नहीं देखा था। वो कहती है रुक जाओ तुम्हें साधना नहीं करनी है। सौरभ को याद आता है कि अभी भी मंत्र यहां पर बचे हैं, कुछ 2-3 हजार मंत्र बचे थे। उन्होंने आंखें बंद करी और दोबारा से अपनी साधना को कंटिन्यू किया। अपनी साधना को वो यहां पे कंटिन्यू किए जा रहे थे, और जब वो कंटिन्यू इसको कर रहे थे और इस साधना को कंटिन्यू करने के बाद में कुछ 2-4 घंटे के अंदर उनकी साधना कंप्लीट हो जाती है। अब वो आंखें खोलते हैं तो देखते हैं वो औरत उसी स्टेट में उनके सामने खड़ी है, और अब उसके हाथ में फूलों की माला है, सड़े हुए फूलों की माला। वो सौरभ को यहाँ पे गले में पहनाती है और सौरभ को कहती है तुम मुझे पहनाओ। सौरभ उसे फूलों की माला पहनाते हैं। वो कहती है आज से मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, यानी कि मैं तुम्हारी आज से वाइफ हूं। अब जो भी तुम्हारा है वो मेरा और जो भी मेरा है वो तुम्हारा। मैं तुम्हारे यहाँ पे सारे दुख दर्द दूर कर दूंगी। इसी के साथ में वो सौरभ के साथ यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेती है और सौरभ को कहती है कि तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वो मैं पूरी कर दूंगी, बट तुम्हें यहाँ पर एक काम करना है कि जब भी मैं तुम्हें कहूं मुझे सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हें करना होगा। अगर तुमने नहीं किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी के साथ साथ अगर तुमने किसी दूसरी औरत से दिल लगाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत भीषण होगा, बहुत भयानक होगा, इस बात को याद रखना तुम। सौरभ कहते हैं कोई बात नहीं। उनको यहाँ पर बस काम वासना दिखाई दे रही थी, उनको यहाँ पर लस्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने यहाँ पे जो उनकी लस्ट की डिजायर थी उसको यहाँ पे पूरा किया, और कुछ एक हफ्ते के अंदर अंदर मानो उनकी लॉटरी लग गई, उनके पास में पैसे की बारिश होने लगी। वो जिस नौकरी पर हाथ रखते वो नौकरी उनको मिल जाती। कुछ 2-4 दिन उन्होंने नौकरी करी, उसके बाद में वो बिजनेस में चले गए, बिजनेस भी उनका अच्छा खासा चलने लग गया। इसी तरीके से 1-1.5 महीने के अंदर उन्होंने यहाँ पे कुछ 5-7 करोड़ रुपए कमा लिए, बहुत सारा पैसा उन्होंने कमा लिया था। अच्छी खासी वो जिंदगी यहाँ पर जीना शुरू कर चुके थे। इसी के साथ साथ कर्ण पिशाचिनी हर रात उनके पास आती थी और उनके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाती थी। अब सौरभ की जिंदगी यहाँ पर बहुत अच्छी चल रही थी। कुछ 9-10 महीने बीत जाते हैं, साल आ जाता है 2011 का। 2011 में वो एक लड़की को देखते हैं और उस लड़की की तरफ वो अपने आप को अट्रैक्टेड फील करते हैं, और वो किसी तरीके का सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं था। वो जब उस लड़की को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें उससे प्यार हो गया। मन के अंदर उनके गिटार बजने शुरू हो गए थे, तो उनको लग रहा था कि ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी है। 2-4 बार उससे बात बात करी और वो लड़की उनकी दोस्त बन गई, दोस्ती से लेकर के बात प्यार तक चली गई। एक रात जब वो अपने बेड पर बैठे थे तो कर्ण पिशाचिनी आती है और उनको कहती है उनके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए। सौरभ मना कर देते हैं, कहते हैं मैं नहीं मनाऊंगा। वो कहते हैं तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझे मना कर सके, मैंने तुझसे वादा किया था और तूने मुझसे वादा किया था, तू मेरी डिजायर्स को पूरा करेगा और मैं तेरे मन मुताबिक सारे काम करूंगी। सौरभ कहते हैं देखो तुमने जो भी मेरे लिए किया है बहुत कर दिया, अब तुम यहां से चली जाओ, तुम जहां पर जाना चाहो वहां चली जाओ, मैं यहां पर एक लड़की से प्यार करता हूं। कर्ण पिशाचिनी हंसना शुरू कर देती है, कहती बस प्यार करता है ना उससे तू, अब तू देख मैं उसका क्या हाल करती हूँ। कुछ 2-3 दिन तक सौरभ उस लड़की को कॉल करते हैं, वो लड़की कॉल नहीं उठाती। अचानक से एक शाम उनको यहाँ पर टीवी में न्यूज मिलती है कि एक लड़की जो है अपने ऑफिस के 10वें माले से कूद करके अपनी जान खो बैठी। जब वो उसकी शक्ल देखते हैं तो उनकी प्रेमिका थी, वो ऊपर से मर चुकी थी। सौरभ को देर नहीं लगती समझते हुए कि ये काम उस लड़की ने नहीं बल्कि कर्ण पिशाचिनी ने किया है। कर्ण पिशाचिनी वापस आती है और कहती है कि हमारे रास्ते का काटा दूर हो चुका है, अब जो मैं तुझसे कहूंगी वो तुझे करना होगा। सौरभ गुस्से में कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को मेरे से छीनने की, मैं उसे प्यार करता था और तूने उसको छीन लिया, क्या 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 दोष क्या था उसका, गुनाह क्या था उसका जो तूने मेरे साथ ऐसा किया।
कर्ण पिशाची ने कहा, कोई गुनाह नहीं था, लेकिन हमारे बीच में आ रही थी वो, इसलिए मारा मैंने उसको। और अगर तू मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा ना, तो तू भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वो ये सब बोलते हैं और काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक बार वो उड़ीसा जाते हैं, उड़ीसा जाकर के वो अपने सगे भाई को ये बात बता देते हैं। तो उनका जो सगा भाई था वो कहता है कि मैं कुछ करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से तू कर्ण पिशाचनी से यहाँ पर पीछा छुड़ा सके। सौरभ कहते हैं ठीक है, मैं वापस दिल्ली जाता हूँ, मेरा बिजनेस है वहां पे, तो थोड़ा काम वाम है, इसके लिए मैं जाता हूँ। कुछ मेरे को एक दो दिन के अंदर अंदर तू बता दियो कि तू क्या कर सकता है। वो कहता है तू परेशान मत हो, कर्ण पिशाचनी है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं इससे पीछा छुड़वाने के बारे में कुछ सोचता हूँ, या मंदिर वगैरह में जाकर मैं बात बात करता हूँ, पीर बाबा के पास चला जाऊंगा, कहीं पर भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, लेकिन तेरी जान बचाऊंगा, तू टेंशन मत ले। तो वो कहते ठीक है। सौरभ वापस दिल्ली आ जाते हैं। सौरभ जब दिल्ली आते हैं, कुछ एक दो दिन बाद उनकी भाभी उनको कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे भाई का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है और वो यहाँ पर कोमा में चले गए। सौरभ फिर समझ जाते हैं कि ये काम कर्ण पिशाचनी ने किया है। जो भी उनके रास्ते में आएगा, जो भी कर्ण पिशाचनी को यहां से भगाने की कोशिश करेगा, वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, या फिर उसका ऐसा हश्र होगा कि वो कभी भी किसी को कुछ बोल नहीं पाएगा। सौरभ बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब जो है मेरे को इसी के साथ रहना पड़ेगा। जो भी उनकी डिजायर्स थी वो पूरी हो चुकी थी इस 9-10 महीने के पीरियड के अंदर ही, तो अब उनका कोई मतलब नहीं था। उनके पास में पैसा भी था, उन्होंने शॉर्टकट तो अपना लिया था, लेकिन इस शॉर्टकट का उनको बहुत भारी मुआवजा चुकाना पड़ रहा था। वो परेशान थे, बहुत दुखी थे। एक बार उनका दोस्त जो उनको उस अघोरी के पास लेकर के गया था, वो दूर से देख करके ही समझ जाता है कि सौरभ के ऊपर क्या बीत रही है। वो सौरभ को बताता नहीं है, वो बस मिलने आता है। सौरभ की दुखी शक्ल देख करके समझ जाता है कि एक करोड़पति आदमी जो ख्वाब देखता था कि उसके पास में पैसा हो, पैसा होने के बावजूद भी वो इतना दुखी है, तो वो समझ जाता है कि ये काम कर्ण पिशाचनी का ही है। वो वहां पर उस अघोरी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, वो अघोरी नहीं मिलता। इधर जाकर के सौरभ का वो सच्चा दोस्त हिमाचल में जाता है और हिमाचल में कहीं से उसको उस अघोरी का पता मालूम चलता है। वो अघोरी के पास जाता है और अघोरी को सब बता देता है। अघोरी ने कहा, मैंने तेरे दोस्त को बोला था कि ये तेरे को मिल तो जरूर जाएगी, लेकिन इसका जो मुआवजा तुझे चुकाना पड़ेगा वो तू चुका नहीं पाएगा। कर्ण पिशाचनी को हर कोई बुलाना जरूर चाहता है, लेकिन बुलाने के बाद में इतना अफसोस करता है कि वो अपना दुख भी किसी के साथ नहीं बांट सकता, क्योंकि अगर वो अपना दुख भी किसी के साथ बांटेगा, कर्ण पिशाचनी उसे भी मार डालेगी। जो भी कर्ण पिशाचनी के रास्ते में है वो कर्ण पिशाचनी का दुश्मन है। तो वो कहते हैं बाबा किसी भी तरीके से उसकी मदद करो। वो कहते हैं देख, मैं उसकी मदद तो कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे अपने बड़े गुरुजी से बात करनी पड़ेगी। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कर्ण पिशाचनी को काबू कर सकूं। मैं बुला जरूर सकता हूं उसको, वो आ जाएगी, लेकिन वो मेरे से काबू नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि मेरे जो गुरुजी हैं वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आएंगे, और इस 2 हफ्ते के अंदर अंदर तू ये जरूर देख कि तेरा दोस्त जिंदा रहे, क्योंकि इसके चलते उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाएगा कि वो आत्महत्या भी कर सकता है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं वापस दिल्ली जाता हूँ। दिल्ली जाते हैं तो सौरभ की हालत ऐसी हो गई थी कि मानो जिंदा लाश, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उनकी प्रेमिका मर चुकी थी, तो उनकी हालत तो ऐसी थी कि मतलब वो जिंदा ही क्यों थे, उनके पास में कोई जीने की वजह नहीं थी। सौरभ का दोस्त उनको बहुत संभालता है। सौरभ चाह करके भी अपना दुख यहाँ पर बांट नहीं पाते, क्योंकि उनको मालूम था अगर मैं दुख बांटूंगा तो कर्ण पिशाचनी इसे भी मार डालेगी, लेकिन सौरभ के दोस्त को ये सारी बातें मालूम थी। फिर 2 हफ्ते का यहाँ पे पीरियड बीतता है। वो अघोरी इधर जो होता है उसी शमशान घाट में आ जाता है। शमशान घाट में वो आता है और वो सौरभ के दोस्त को कहता है कि तुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से उस लड़के को लेकर आना है, और ये बात तू याद रख कि कर्ण पिशाचनी को ये बात मालूम नहीं चलनी चाहिए कि जो तू है वो उसको यहाँ पे बांधने के लिए ला रहा है। वो कहते हैं ठीक है। जब सौरभ का दोस्त इस काम को अंजाम दे रहा होता है, वो कार में सौरभ को बिठा के ला रहा होता है, न जाने कहां से कर्ण पिशाचनी को इसके बारे में खबर लग जाती है और कार का यहाँ पे बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। कार का एक्सीडेंट होता है, सौरभ के दोस्त के सर पे चोट लग जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। जब वो बेहोश हो जाते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था सौरभ को कि हो क्या रहा है, हर किसी के साथ में जा रहा हूं तो वो मर रहा है, इससे अच्छा तो मेरे को मर ही जाना चाहिए। वो भाग रहे होते हैं कि दूर से वो अघोरी उनको देख लेता है कि वो जो है कब्रिस्तान के सामने से भाग रहे हैं, तो अघोरी उनको देख लेता है, कहता है इधर आ, वहां बच्चा इधर आ, मेरे पास आ। सौरभ आ जाते हैं। अल्टीमेटली जो सौरभ का दोस्त चाहता था वो हुआ जरूर। वो उधर जाता है, सौरभ वहां पे जाते हैं और जो तांत्रिक था वो उनको बिठाता है और उनको बोलता है कि ये जो कर्ण पिशाचनी है ये तेरा पीछा तेरी मौत के बाद ही छोड़ेगी, उससे पहले नहीं, लेकिन तू चिंता मत कर, मेरे बड़े गुरुजी मेरे पास में आ चुके हैं,
वो तेरे को यहाँ पर बिल्कुल ठीक कर देंगे। वहां पर वो लोग कुछ कवच वगैरह उसको देते हैं, मतलब कोई लॉकेट वगैरह देते हैं, उसकी बहुत पूजा वगैरह करते हैं, और इसी के साथ में सौरभ को यहाँ पे कोई मंत्र देते हैं जिसको कहते हैं कि तुझे दिन में 21 बार इसका उच्चारण हर दिन करना है, अगर एक भी दिन छूटा तो समझ ले कि कर्ण पिशाचनी वापस आ जाएगी। कुछ यहाँ पर 5-7 घंटे बीत जाते हैं, रात के 9 बजे रिचुअल शुरू होता है और सुबह के 4 बजे जाकर के खत्म होता है। इसी दौरान जो सौरभ के दोस्त होते हैं जो बेहोश हो जाते हैं वो भी उठ जाते हैं और वो उस कब्रिस्तान में जाकर के देखते हैं कि रिचुअल चल रहा है। अघोरी कहता है कि पास मत आ, तू दूर रह, तू इस शमशान घाट के अंदर कदम नहीं रखेगा। वो उसके दोस्त को बाहर यहाँ पे रख देते हैं। इसी के साथ में वो उसको यहाँ पर जो भी लॉकेट वगैरह था, जो भी कवच था, और वो मंत्र देते हैं जो उनको 21 बार यहाँ पे पढ़ना था। उसके बाद वो कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी जो तेरा पीछा है पूरी तरीके से जो छोड़ेगी, वो यहाँ पर कुछ 5-7 साल बाद छोड़ेगी। तुझे मन ही मन ये चीज लगेगी कि तुझे उसको वापस बुला लेना चाहिए। देखो ऐसा जरूर लगेगा जिंदगी में, शायद महीने में एक बार, साल में एक बार, या हर दिन हर महीने तेको ऐसा लगे कि तुझे कर्ण पिशाचनी को भी यहाँ पे बुला लेना चाहिए। लेकिन याद रखियो, कर्ण पिशाचनी अगर वापस आई तो तेरी जिंदगी इससे भी नरक कर देगी, वो तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। सौरभ को ये बात समझ में आ चुकी थी। सौरभ ने 2011 से उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। वो आज भी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। उन्होंने मुझे बताया भी कि उनको यहाँ पर कुछ 11-12 साल के अंदर 100 से ज्यादा बार ये ख्याल आ चुका है कि उन्हें कर्ण पिशाचनी को बुला लेना चाहिए। लॉकडाउन के अंदर तो खास तौर से उन्हें लगा था कि अब उन्हें कर्ण पिशाचनी को बुला लेना चाहिए। जो पैसा वगैरह उन्होंने कमाया था वो डूबता जा रहा था और उनके पास में ज्यादा कुछ रहा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्ण पिशाचनी को नहीं बुलाया। आज भी वो कहते हैं कि रात में सोते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है, कोई उनके बिल्कुल पास है जिसकी सांस उनको महसूस होती है, कि वो शख्स जो है वो यहाँ पर सांस ले रहा है, वो सांस उनको यहाँ पर महसूस होती है, लेकिन वो कभी भी आंखें खोल करके नहीं देखते। और मंत्र का उच्चारण वो डेली बेसिस पे यहाँ पे करते हैं, 21 बार वो मंत्र को पढ़ते हैं, और यहाँ पर 11-12 साल बीत चुके हैं इस बात को, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि सौरभ ने उस मंत्र का उच्चारण ना करा हो। तो कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी मेरे से दूर जरूर है, पर शायद उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, या फिर जिंदगी भर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मरने के बाद क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम, ना उस तांत्रिक ने मुझको बताया, लेकिन ये जरूर है कि जीते जी अब कर्ण पिशाचनी मेरे से दूर है। इस इंसिडेंट के कुछ टाइम के बाद में जो सौरभ के भाई थे जो आईसीयू में थे, वो आईसीयू से बाहर आ गए थे, रिकवर कर गए थे, और सौरभ का जो बेस्ट फ्रेंड था वो भी अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल हो गया। सौरभ भी आज ठीक ठाक मुकाम पे है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रोड की खाक छान रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनकी जिंदगी भी अच्छी और स्टेबल चल रही है। उन्होंने एक लड़की से यहाँ पे शादी भी कर ली और इसी के साथ में वो खुशी खुशी दिल्ली में रह रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था जो सौरभ के साथ घटा था जुलाई 2010 के अंदर, जब उन्होंने एक बिन बुलाए मेहमान को जान पूछ करके अपने घर में बुला लिया, अपने घर में पनाह दी, जिसके चलते उस शख्स ने, उस पिशाचनी ने, या आत्मा प्रेत जो आप कहना चाहें, उसने सौरभ की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। तो ये पूरा का पूरा वाक्य हुआ था सौरभ के साथ में। आज भी मैं देखता हूँ कि कर्ण पिशाचनी को लेकर के लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इसकी साधना करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें जो है इससे दूर ही रहे और ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, मैं तो ये बोल सकता हूँ। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, यहाँ आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, एंड इसी के साथ साथ आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी उसको शेयर कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये रहेगी कि जब भी आप अपनी स्टोरी को शेयर करें तो जितना डिटेल में हो सके उतने डिटेल में अपनी बात को रखें, ताकि जब मैं ऑडियंस के सामने उसको बताऊं तो उन्हें सुनने में भी अच्छा लगे और आपकी बात की एक एक बारी की उन तक पहुंच सके। अगर आप टाइप करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं तो आप वॉइस मैसेज मुझको भेज सकते हैं इंस्टाग्राम में, और वहां से मैं आपकी स्टोरी को पिकअप कर लूंगा और उसके ऊपर सेपरेट एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो कर्ण पिशाचनी के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे जरूर बताइए। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था, अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ जल्दी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।